दोस्तों, आने वाले समय में राज्य सरकार की घोषणा अनुसार 1 लाख पद आने की संभावना है। इसी श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें MPPSC, SI और पटवारी के लिए प्रमुख जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल मिश्रा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें और चैनल में अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पे। मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। इतिहास के भी 3 पार्ट हैं। मैं आपको बता देता हूं कि MPPSC के हिसाब से इतिहास के 3 पार्ट हैं जो हम चर्चा करेंगे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। हम जो इतिहास स्टार्ट करेंगे वो मध्य से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है MPPSC में आधुनिक का ज़्यादा है। फिर मध्य से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आधुनिक पर जाएंगे, फिर बाद में हम प्राचीन पर करेंगे। तो मध्य इतिहास से हम चालू करेंगे। इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल से चर्चा करूँगा। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF में मिश्रा क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में हम जानेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरबों के आक्रमण को, अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण को, कि कैसे अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, उसके क्या कारण थे, क्या स्थिति ऐसी बनी थी कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, क्या उनके अरबों के पहले भारत से क्या संबंध थे। तो अरबों के आक्रमण में हम देखेंगे सबसे पहले, और उन आक्रमणों के पहले हम थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि अरबों के जो आक्रमण हुए वो मुस्लिम जगत जो था उससे पहले हम थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानेंगे। इस्लाम के बाद हम अरब आक्रमण पर चर्चा करेंगे, उसके बाद तुर्क आक्रमण पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूं इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या होता है, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम, तो इस्लाम का जो अर्थ होता है, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम के बारे में हम थोड़ा सा इसलिए जान रहे हैं कि जनरल नॉलेज में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमें पारसी धर्म, सिख धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म की जानकारी होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम ये जानेंगे थोड़ा सा इतिहास का, तब हम आगे का व्यवस्थित जान पाएंगे कि क्या कारण थे। जैसे अगर मैं अभी इस्लाम में पढ़ाऊंगा तो उनके उत्तराधिकार क्या कहलाए, खलीफा कहलाए, कौन कौन से खलीफा थे, जिसकी आगे जाके चर्चा अरबों के आक्रमण पर होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बता रहा हूँ। तो इस्लाम खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इसका उदय कहाँ हुआ है? इसका उदय हुआ है मक्का, सऊदी अरब। सऊदी अरब मक्का में इसका उदय हुआ है। इसके जो संस्थापक थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, जो कि कुरैश जनजाति से थे, कुरैश जनजाति से थे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी। इसको संक्षेप में हम ई लिख देते हैं, 570 ईस्वी। ये क्या है ईस्वी, थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी दे दे रहा हूं आपको। अपने यहां जो अभी वर्तमान में जो कैलेंडर है, वर्तमान में जो कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है कहलाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्मदिन पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 1 ईस्वी को हुआ था।
अब जैसे अगर हम कहें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो तिथि की जो गणना की जाती थी वो उल्टी दिशा में होती थी। मतलब जैसे बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि 563 से 562, 61, 60, 59 इस प्रकार से 483। तो अगर हम कहें कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये सही है, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ईसवी चालू हुआ एडी, ये बीसी था, एडी चालू हुआ जिसे एनो डोमिनी कहते हैं। मतलब अगर हम कहें कि ईसा मसीह के जन्म के 570 साल बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ये अपना एडी आया ईसवी, इसके पहले ईसा पूर्व कहते थे। पांच सौ सत्तर ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, मां का नाम अमीना था। इनके पिता जो अब्दुल्ला थे वो बचपन में ही, ये जब पैदा हुए थे पैगंबर मोहम्मद साहब जी, उनके बचपन के पहले ही शांत हो गए थे इनके पिताजी, और 6 वर्ष की उम्र में इनकी मां शांत हो गई थी, तो बचपन में ही निधन हो गया था इनका। तो पिता मां इनका जो लालन पालन किया वो चाचा अबू तालिब ने किया था, अबू तालिब ने किया था। पच्चीस वर्ष की आयु में इन्होंने 40 वर्षीय धनी महिला, 40 वर्षीय धनी महिला खदीजा से इन्होंने विवाह किया था। ये 40 वर्षीय थी और ये 25 वर्षीय थे। इनका बचपन बड़ा निर्धनता में बीता। बचपन में ये भेड़ बकरियों का जो है समूह चराते थे। 25 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय धनी मेला खदीजा से विवाह किया। इनकी जो पुत्री थी वो फातिमा थी, पुत्री फातिमा, और जो दामाद थे इनके वो अली थे, दामाद अली थे। ये जानकारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं और आगे देता हूँ। मक्का में ही इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का में ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में इनको हुई। 619 में इनकी पत्नी और अबू तालिब जो चाचा थे उनका निधन हो गया। देवदूत जिब्रियल का इनको संदेश मिला, देवदूत जिब्रियल का इनको संदेश मिला। क्या संदेश मिला? कि आप जो संसार में आए हैं ईश्वरों को, ईश्वर के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। इसके बाद इनको जो अनुभूति हुई, इन्हें खुद को स्वयं को जो अनुभूति हुई, इन्होंने अपने आप को जो समझा वो नबी, नबी मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और रसूल, रसूल मतलब देवदूत। देवदूत जिब्रियल जब संदेश मिला तो इन्हें अनुभूति हुई कि ये नबी और रसूल हैं, मतलब सिद्ध पुरुष और देवदूत हैं जो ईश्वरों के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको संसार में भेजा गया है। 622 ईस्वी 24 सितंबर 622 ईस्वी को इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। इसे हिजरत कहा जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की, जिसे हिजरत
हिजरी संवत या मुस्लिम संवत भी कहा जाता है, हिजरी या मुस्लिम संवत भी कहा जाता है। मदीना में ही इनकी कब्रगाह है। तो 622 ईस्वी को ये मक्का से मदीना चले गए थे, सऊदी अरब में ही है ये पवित्र स्थल है। मुस्लिम का, इस्लाम का या मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है, जो कि 114 अध्याय में विभाजित है और 6360 इसमें पद हैं, है ना। कुरान है, 114 अध्याय हैं, 6360 इसमें पद हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी को हुई थी, मदीना में ही, जैसा कि मैंने अभी बताया उनकी कब्र का है, 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। आगे मैं आपको बताता हूं। जैसा कि अभी मैंने बताया था इनके दामाद अली हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जो समाज है जिसके दो विभाजन हो गए, सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नी समुदाय से हो गया। जैसे हिंदू में भी कई धर्म हैं, इसी प्रकार से सिया सुन्नी में विभाजन हो गया। सुन्नी मतलब जो पैगंबर के कथनी या कथनों एवं कार्यों का विवरण मिलता है, और सिया, मतलब इसमें अली की ये शिक्षा के पर विश्वास करते हैं, अली की शिक्षा पर विश्वास करते हैं और अली को पैगंबर मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकार मानते हैं। ये सिया लोग मोहम्मद के न्याय सम्मत उत्तराधिकार मानते हैं, ये सिया सुन्नी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकार कहलाए वो खलीफा कहलाए, खलीफा के नाम से उत्तराधिकार कहलाए। तो प्रमुख प्रमुख खलीफा जो हुए हैं, अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली। खलीफा ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकार कहलाए वो खलीफा के नाम से कहलाए। प्रमुख जो खलीफा थे अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली। ये अभी मैं इसलिए ये सारी जानकारी दे रहा हूँ कि इनका अभी जो है इनकी चर्चा होगी आगे, इसलिए। तो अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली ये खलीफा, प्रमुख खलीफा कहलाए। इस्लाम में मुस्लिम समाज में खलीफा जो शब्द है 1924 तक रहा, सन 1924 तक, तो 1924 तक खलीफा पद रहा। 1924 के बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है खलीफा पद समाप्त कर दिया। तो 1924 तक ये पद रहा, फिर तुर्की के शासक, मुस्तफा कमाल पाशा, ने खलीफा जो पद है उसे समाप्त कर दिया। तो ये जानकारी हमें होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है, जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं। 1924 तक ये पद रहा है, कितने सालों तक, फिर तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं। जब भी मुस्लिम व्यक्ति जो है नमाज अदा करता है वो पश्चिम की ओर खड़ा होके नमाज अदा करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि पश्चिम में ही सऊदी अरब पड़ता है। अगर हम देखेंगे कैलेंडर एटलस में, तो जो राजस्थान, गुजरात है, उसके पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इधर अगर नीचे से जाएंगे, नीचे हिंद महासागर से, तो अदन की खाड़ी होते हुए अगर अपन जाएंगे तो नीचे संयुक्त अरब अमीरात है, उसके उत्तर पश्चिम में है सऊदी अरब, तो वहां पड़ता है लाल सागर के ऊपर उत्तर में। तो ये इस्लाम के बारे में ये जानकारी थी
इसके बाद 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था। तो ये इस्लाम की मैंने आपको जानकारी दी, अब थोड़ा सा अरबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर हुए थे वो पहले हुए थे अरब और एवं तुर्क के आक्रमण। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए वो अरब आक्रमण हुए और तुर्क आक्रमण हुए। अरब आक्रमण में हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की हम चर्चा करते हैं अरब में। तुर्क में महमूद गजनबी, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की चर्चा करते हैं। ये तुर्की थे, ये अरबी थे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो अरबों के आक्रमण की चर्चा करेंगे, मतलब हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की चर्चा करेंगे। ऐसी क्या स्थिति बनी, क्या था कि जिस सिंध में इनको आक्रमण करना पड़ा, ठीक है। तो आज हम अभी इसकी चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अरबों के आक्रमण के बारे में, अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो कि 8वीं सदी में 712-13 ईस्वी में सबसे पहले सिंध राज्य में हुआ था। तो सिंध राज्य ने सबसे पहले अरबों के आक्रमण को झेला था। तो 8वीं सदी में सिंध ने मुस्लिम आक्रमण को झेला था, मुस्लिम आक्रमण को झेला था। उस समय सिंध की क्या स्थिति थी, तो सिंध उस समय उत्तर में, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर से लेके नीचे अरब सागर, अरब सागर मतलब जो कि तमिलनाडु, इसके जो पश्चिम में है ना, केरल कर्नाटक का जो तट है उस समय उसको मालाबार तट कहते थे। फिर उसमें भड़ौच की खाड़ी, जो मतलब खंबात की खाड़ी आती, देवल बंदरगाह था, ये समय उस समय थे उसमें, और पूर्व में था कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश, डिंपल, डिंपल यादव यहाँ की सांसद है, कन्नौज उत्तर प्रदेश से लेके मकरान की पहाड़ी, मकरान की पहाड़ियां, बलूचिस्तान, आजकल ये ज्यादा चर्चा में बलूचिस्तान, सीपेक को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से सब चीजें ली जा रही हैं, खनिज निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान मांग कर रहा है भारत से कि हमें आजाद करवाओ। तो ये परिचय था कि 8वीं सदी में सिंध ने मुस्लिम आक्रमण को झेला था। तो उस समय सिंध क्या था, सिंध की जो स्थिति थी, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके अरब सागर तक, दक्षिण में और पूरब में कन्नौज उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम में मकरान की पहाड़ी बलूचिस्तान तक था। इस समय सिंध का शासक जो था सहसी राय द्वितीय था, शासक इस समय जो था सहसी राय द्वितीय था, शूद्र जाति का था, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। शासक सहसी राय द्वितीय शूद्र जाति का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका जो मंत्री था उसका नाम था चच, ब्राह्मण मंत्री था, ब्राह्मण मंत्री चच था। इसने जो है सहसी राय द्वितीय की हत्या कर दी, सहसी राय द्वितीय की इसने हत्या कर दी।
इसने सैसी राय दूती की जब हत्या की तो इसकी जो विधवा पत्नी है, विधवा पत्नी रानी से विवाह कर लिया, रानी से विवाह कर लिया, मतलब शासक सहसी राय दूती था जो कि शूद्र जाति का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका मंत्री था ब्राह्मण चच नामक मंत्री था, और जो है इसने सहसी राय दूती की हत्या कर दी और इसी की विधवा रानी पत्नी रानी से विवाह कर लिया और गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठा। इसके बाद चच की मृत्यु हुई, चच की मृत्यु हो गई, चच की मृत्यु के बाद गद्दी को लेकर गृह युद्ध हुआ, गद्दी को लेकर गृह युद्ध हुआ, किसमें? पुत्रों एवं भाइयों में, पुत्रों एवं भाइयों में गृह युद्ध हुआ, जिसमें इसके बड़े पुत्र दाहिर की विजय हुई, दाहिर की विजय हुई, यानी सिंध राज्य का जो शासक बना वो दाहिर बना। अब इन्हीं सभी उथल पुथल से, इन्हीं सभी राजनीतिक उथल पुथल से अरबों को भारत में आक्रमण करने का प्रेरित हुए वो, इसलिए जो है अरबों ने आक्रमण किया। तो ये थोड़ा सा इसका जो परिचय था कि सहसी राय दूती था, ब्राह्मण मंत्री चच ने उसकी हत्या कर दी, उसकी पत्नी विधवा पत्नी से रानी से विवाह कर लिया, फिर चच की भी मृत्यु हो गई, गद्दी के लिए जो है गृह युद्ध हुआ पुत्रों एवं भाइयों में, बड़े पुत्र दायर की विजय हुई। अब हम चर्चा करेंगे अरबों के आक्रमण पर। उसके पहले, अरबों के आक्रमण के पहले हम थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे कि अरबों के भारत से क्या संबंध थे उस समय। तो थोड़ा सा मैप में समझेंगे, जैसा कि पता है आपको ये गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, ये केरल को ही मालाबार कहते थे। यहां भड़ोच था गुजरात में, भड़ोच था। अगर हम यहां से देखेंगे ये ऐसे, तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध प्रांत था, ये सिंध प्रांत था, मतलब देवल बंदर का यहां था। तो सिंध प्रांत जो था यहां का, यहां देवल बंदर का था, देवल बंदर का था, ये मकरान था यहां, यहां अफगानिस्तान था, फिर वो ईरान आ जाता है। तो अगर हम अदन की खाड़ी से चलेंगे तो सबसे पहले अदन की खाड़ी में समुद्र सीमा होते हुए जाएंगे तो सबसे पहले कुवैत आएगा, कुवैत के बाद इराक आएगा, उसके बाद सीरिया आएगा, दमिश्क। तो ये है अपना हिंद महासागर, ये अरब की खाड़ी, अरब सागर, और यहां से अगर अपन जाएंगे तो लाल सागर, ये लाल सागर से होते हुए अरब जो है मालाबार, ये बंदरगाह था, देवल बंदरगाह था, और ये खंबात की खाड़ी, यहां से ये बंदरगाहों से अरबों के पहले यहां से वस्तुओं से लदे जहाज को ये लाल सागर होते हुए मिस्र होते हुए यूरोप ले जाते थे, यूरोप भूमध्य सागर, वहां यूरोप ले जाते थे। तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये संबंध समाप्त हो गए, व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए। तो हमने ये प्रारंभिक आक्रमण के पहले ये जाना कि भारत के अरबों से क्या संबंध थे, तो व्यापारिक संबंध थे। यहां से आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने भी हमला जो किया था, पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ काली मिर्च और भी चीज़ें जो होती थी, वस्त्र अस्त्र होते थे, तो यहाँ से सब जड़ी बूटियाँ ये सब ले जाते थे और यूरोप तक ले जाते थे, लाल सागर होते हुए मिस्र होते हुए ले जाते थे, जो कि सऊदी अरब के नीचे दक्षिण में है। तो ये था। अब प्रारंभिक आक्रमण की हम बात करते हैं, प्रारंभिक जो आक्रमण हुआ था
प्रारंभिक आक्रमण जो इन्होंने किया था वो खलीफा उमर के समय किया था, जैसा कि अभी मैंने बताया था अभी इसके पहले इस्लाम में, कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकार हुए हुए वो खलीफा कहलाए, और खलीफा में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो वही उमर थे ये। तो प्रारंभिक आक्रमण हुआ था उमर के समय, तो खलीफा उमर के समय प्रारंभिक आक्रमण कहाँ किया गया था? थाणेश्वर, जो कि आज थाणा, जो बॉम्बे में थाणा है ना, मुंबई में, वो थाने पर किया गया था। उमर के समय पहला आक्रमण थाणेश्वर पर किया गया था, उस समय इसको थाणेश्वर कहते थे, थाणेश्वर पर पहला आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। तो पहला आक्रमण किया था थाणेश्वर पर उनको असफलता मिली, सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मकरान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एंट्री लेंगे तो कहां से लेंगे, मकरान, देवल, भड़ौच पर उन्होंने आक्रमण किया। तो मकरान, देवल, भड़ौच गुजरात में है, यहां आक्रमण किया परंतु उन्हें असफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, ये उन्हें आंशिक सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, ये प्रारंभिक आक्रमण थे। इसके बाद क्या हुआ कि इब्न उल अहियल, इब्न अल अहियल, अब ये आया, इब्न उल अहियल ने मकरान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया है ना। तो इब्न अल अहियल ने मकरान एवं बलूचिस्तान पर इनको सफलता मिल गई। तो प्रारंभिक आक्रमण के बारे में हमने यह जाना कि खलीफा उमर के समय, जो कि 634 ईस्वी कुछ था, उमर के समय थाणेश्वर पर पहला आक्रमण किया गया। थाणेश्वर पर कहां किया गया? मुंबई पर किया गया। इन्हें असफलता मिली, ये सफलता नहीं मिली इनको। फिर उसके बाद उन्होंने मकरान और देवल, फिर भड़ौच पर भी आंशिक सफलता ही मिली। इसके बाद इब्न अल अहियल ने मकरान बलूचिस्तान पर इनको सफलता मिल गई, मतलब यहां ये आ गए। इस सफलता से क्या हुआ कि इनको सिंध की मार्ग का जो है रास्ता मिल गया, और इस मार्ग से मुस्लिमों के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए ये प्रशस्त हुए, मतलब इनको जो है जगह मिल गई। अब सीधी सी बात, अगर हम यहां आ गए हैं तो हम रास्ता बनाते हुए यहां भी चले जाएंगे। उस समय इनके पास अश्वारोही से सेना थी और अरबी घोड़े थे, और हमारे पास क्या थी उस समय? गज सेना थी। गज सेना कितनी गतिशील होती है हम ये समझ सकते हैं, हाथी कितना तेज चलते हैं, और उस समय उनके पास हथियार भी हमसे अच्छे ही थे, इसलिए हमारी गज जो सेना है वो आतंकित हो जाती थी। ये आग से तीर चलाते थे जिसको नावक कहते थे, तो जिससे हमारे हाथी ही आतंकित हो जाते थे, और कभी कभी तो हमारे ही सैनिकों पर आक्रमण कर देते थे। तो ये हमारी स्थिति थी। अभी आगे हम चल के इन सब पर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा प्रारंभिक आक्रमण। अब हम मुख्य आक्रमण की बात करते हैं कि क्या हुआ था। ये प्रारंभिक की मैंने आपको जानकारी दी, अब मुख्य आक्रमण की हम चर्चा करते हैं। मुख्य आक्रमण जो हुआ था 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध पर आक्रमण किया। और इसे सफलता मिली, इसने सिंध पर कब्जा कर लिया 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। तब इसकी जो आयु थी, सिर्फ 17 वर्ष का था, ये 17 वर्ष का था। सिंध पर जो इसने आक्रमण किया था, इसने रावर के युद्ध में, ये हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं आपको बता रहा हूं। तो रावर के युद्ध में इसने, दाहिर, जैसा कि अभी मैंने बताया था ब्राह्मण चच का लड़का था दाहिर, दाहिर को इसने पराजित कर दिया। दाहिर पराजित हो गया, मतलब मार डाला गया दाहिर। इसके बाद इसकी पत्नी विधवा, विधवा पत्नी रानीबाई, ने भी किससे युद्ध कर रहे थे? मोहम्मद बिन कासिम से। तो रानीबाई भी पराजित हो रही थी, समय देखकर उन्होंने, अगर देख लिया कि पराजय हमारी समीप ही है, हम नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने जौहर कर लिया। जौहर एक प्रकार से आत्मदाह होता है, अग्निकुंड बना रहता है,
उनके महलों में, जब इन्हें लगता है कि हमारे पति अब नहीं रहे हैं तो ये जौहर कर लेती, किसी दूसरे के हाथ आने से अच्छा है, वो यही समझती हैं कि हम अग्निकुंड में अपने आप को जौहर कर लें, तो इन्होंने जौहर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि दाहिर ने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया, उसकी पत्नी को भी मार डाला। इसके बाद इसने दाहिर के पुत्र जयसिंह, पुत्र जयसिंह को भी पराजित कर दिया, तो जयसिंह भी पराजित हो गया और राजधानी आलोर पर अधिकार कर लिया। उस समय जो राजधानी थी आरोर या आलोर, कुछ भी कह सकते हैं, आरोर या आलोर पर अधिकार कर लिया। ये मुल्तान था, मुल्तान जो है बलूचिस्तान के पास ही है, मुल्तान पर था, और मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को इतनी अधिक धन संपदा प्राप्त हुई कि इसने इसे स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी। स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसको स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी जाती है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मुल्तान को, इतने अधिक सोने जवाहरात यहां से मिले थे। तो मुख्य आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम 712 से 13 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है, आयु 17 वर्ष की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंध पर आक्रमण किया। रावर के युद्ध में उसने दाहिर को पराजित किया, दाहिर की विधवा पत्नी रानी बाई को भी पराजित किया, पराजय समीप देखकर उसने जौहर कर लिया। उसके बाद दाहिर के पुत्र जयसिंह को भी पराजित किया और राजधानी आरोर या आलोर पर अधिकार कर लिया। मुल्तान से उसे इतनी अधिक धन संपदा प्राप्त हुई कि उसने इसे स्वर्ण नगरी की संज्ञा प्रदान की। यह मुख्य आक्रमण था। प्रारंभिक की जानकारी ले ली हमने, मुख्य की ले ली, अब हम ये जानेंगे कि आक्रमण किया क्यों गया, क्यों किया आक्रमण, इसकी कोई वजह तो होगी, क्या है भाई? या तो आक्रमण करने का उद्देश्य ये होता है कि हमें धन संपदा चाहिए, या कुछ और भी हमारा छुपा हुआ उद्देश्य होता है, या हम आक्रमण तब करते हैं किसी के ऊपर जब उसने हमारा कुछ पहले से बिगाड़ा हो, ये कारण होता है। तो कुछ ऐसे दो तीन कारण होते हैं, तो अब हम चर्चा करते हैं कि आक्रमण का कारण क्या था। तो मैं बताता हूँ आपको आक्रमण का कारण। आक्रमण का कारण, ये जैसे इंडिया है, ये सिंध है, मतलब जो पाकिस्तान है वर्तमान का, ये अफगानिस्तान है, फिर अगर अपन इधर से आए अदन की खाड़ी होते हुए अपन कुवैत पहुंचेंगे, कुवैत से इराक और वहां से सीरिया पहुंचेंगे, ये है भारत के नीचे श्रीलंका। इसको पहले क्या कहते थे, सिंहल, सिंहल के नाम से जानते थे, सिंहल या सिंहली देश कहते हैं, यहां सिंहली भाषा चलती है इसलिए सिंहली देश भी कहते हैं। तो ये प्राचीन का सिंहल है जो वर्तमान का श्रीलंका है। कारण क्या था कि 708 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बताया था कि 712-13 ईस्वी में मुख्य आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो 708 ईस्वी में हुआ क्या था कि सिंहल के राजा ने एक भेंट दी, किसको, सीरिया जो दमिश्क के राजा थे वलीद, 708 ईस्वी में दमिश्क, दमिश्क कहां है, सीरिया, दमिश्क के राजा वलीद और इराकी गवर्नर उस समय थे, इराकी गवर्नर थे हज्जाज, इन दोनों के लिए सिंहल के राजा ने एक भेंट भेजी, भेंट भेजी अरबों के जहाज पर। तो सीधी सी बात है, अरब का जहाज कहां से जाएगा, यहां से चलते हुए मालाबार, मालाबार से, क्योंकि वो उस समय हमारे पास कोई वो कोई व्यवस्था तो थी नहीं, ना उतनी दूरबीन भी अच्छी नहीं थी, तो वो तट से होते हुए जाते थे, तट से उन्हें क्या रहती थी, सुविधा रहती थी, वो समझते हुए जाते थे कि अब ये आ गया, ये आ गया है। तो जैसे मालाबार से वो समझते थे कि अब हम थाने पहुंच गए, थाने से भड़ोज, भड़ोज से देवल, देवल से मकरान, मकरान होते हुए ये वहां से चले जाते थे। तो यहां से अरबों का जहाज आ रहा था और देवल के पास जो है सिंध के डाकुओं ने अरबों के ये जहाज को लूट लिया। तो ये जो भेंट आ रही थी जहाज, इसको लूट लिया। तो दमिश्क के राजा वलीद, खलीफा वलीद और इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए ये भेंट आ रही थी, जिसको इन्होंने देवल के डाकुओं ने लूट लिया था। उस समय देवल में जो डाकू होते थे वो कुर्क, उन्हें जो कहते थे संगार,
मेड़, इस प्रकार की जो है लूट की जनजाति रहती थी यहां। इनका काम ही यही था, इनका जीविकोपार्जन जो होता था लूट के ही होता था। ये जहाजों को लूटते थे और उससे जो सामान मिलता था उससे ही अपना जीविकोपार्जन करते थे ये डाकू, जिन्होंने ये देवल पे अरबों के जहाज को लूटा। फलस्वरूप हुआ क्या कि इराकी गवर्नर हज्जाज जो है, इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को संदेश भेजा कि आप उन्हें दंडित कीजिए। किसको? इनको। तो आप इनको दंडित करें। दंडित करें। लेकिन दाहिर ने कहा कि हमारे ये ना तो नियंत्रण में है और ना ही हमारे अधीन है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हज्जाज ने दाहिर को कहा कि आप इन डाकुओं जो ये जो जहाज लूटते हैं इनको आप दंडित कीजिए। तो दाहिर ने कहा जवाब में कि ये ना तो हमारे नियंत्रण में है ना ये हमारे अधीन है, तो हम इनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हज्जाज ने ये कहा है कि जो हमारा जहाज लूटा गया है आप हमें उसकी राशि दीजिए। तो उसने कहा, दाहिर ने इसलिए देने से मना कर दिया। तो फलस्वरूप हुआ क्या, जब उन्होंने दाहिर ने मना कर दिया कि इसका हरजाना देने के लिए जो जहाज लूटा गया था, तो फलस्वरूप होना क्या था कि हज्जाज ने जो इराकी गवर्नर थे 711 ईस्वी में उबेदुल्ला के नेतृत्व में अभियान किया। स्वयं नहीं गए, उबेदुल्ला के नेतृत्व में अभियान भेजा। यह दाहिर से पराजित हो गया उबेदुल्ला 711 ईस्वी में। उबेदुल्ला नेतृत्व अभियान कर रहा था, कहां? सिंध में जाके हरजाना ले रहा था। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों ले रहा था। तो उबेदुल्ला ने के नेतृत्व में अभियान भेजा, यह पराजित हो गया। फिर भेजा गया किसके में? दुबेल के नेतृत्व में अभियान किया गया, यह भी पराजित हो गया। ये दोनों पराजित हो गए 711 ईस्वी में। इसके बाद ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम गया था, और मोहम्मद बिन जो कासिम था वो हज्जाज का दामाद एवं भतीजा था, सगा भतीजा था हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को उबेदुल्ला और दुबेल के बाद ही भेजा गया था। और जो कि इसके पहले मैंने आपको बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जाके सिंध में क्या किया, कितनी लूटमार की है। तो ये इसके बाद हज्जाज का जो भतीजा भी था सगा, और उसका दामाद भी था, क्योंकि मुस्लिमों में संबंधों में शादी हो जाती है, विवाह निकाह हो जाता है। तो ये कारण थे कि दुबेल इसके बाद पराजित हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम अभियान पर गया था, जो कि उसने दाहिर को पराजित, जय सिंह को भी पराजित, उसकी पत्नी रानी बाई को भी पराजित करके मुल्तान से धन संपदा लूटी थी। जब ये इतना सब कुछ हो गया, अब इससे क्या हुआ कि सिंध का पर आक्रमण कर दिया, तो हमारे और भी आक्रमण करेंगे। तो ये आक्रमण का कारण था, मैंने आपको बताया, ये आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा। अब ये जो आक्रमण था, आकलन अगर अपन ये करें तो इसका आकलन किया है इतिहासकार बुलजले हैग ने। इतिहासकार बुलजले हैग के अनुसार ये जो लूट हुई है उसका ये तात्कालिक कारण था कि ये तत्कालीन परिस्थितियां थी कि उसने लूटा तो ये उन्होंने उनसे राशि मांगी, उन्होंने राशि नहीं दी, तो उसके एवज में इन्होंने आक्रमण किया, ये उसका तात्कालिक कारण था। पर छुपा हुआ उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, ये जो मुख्य उद्देश्य था वो था बंदरगाहों पर अधिकार, भारत की समृद्ध धन संपदा को लूटना, बंदरगाहों का अधिकार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना,
इतिहासकार बुलजेले हैग ने इसलिए ये कहा है कि ये तो तात्कालिक कारण था, पर छुपा हुआ उद्देश्य इसलिए ये था कि बंदरगाहों पर अधिकार करना, क्योंकि यहां से ये सब जाते थे सामान, तो क्यों ना हम इन पर ही अधिकार कर लें। भारत समृद्ध धन संपदा को लूटना, जैसे कि आपको मकरान में पता चला बलूचिस्तान तक था, तो कितनी धन संपदा स्वर्ण इनको मिली थी, इसलिए ये इनका छुपा हुआ उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। बुलजेले हैग ने ये इसलिए ऐसा कारण निकाला कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि प्रारंभिक आक्रमण की हम बात करें तो ये नहीं हुआ था कि जो यहाँ से अरबी जहाज जा रहा था तो पहले तो नहीं लूटा था। उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने थानेश्वर पर हमला किया था, तो ये उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये था ही कि हम भारत पर हमला करें और भारत पर आक्रमण करके हम इस पर अधिकार कर लें। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य थे, बंदरगाहों पर अधिकार करना, भारत समृद्ध धन संपदा को लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो आज हमने इन सब बातों को जाना, अरबों के आक्रमण परिचय जाना, प्रारंभिक और आक्रमण के मुख्य आक्रमण को भी जाना, आक्रमण के कारण का भी हमने आकलन किया। अब हम कल ये जानेंगे कि सिंध की पराजय क्यों हुई, आखिर अरबी क्यों जीते। जैसा कि भी मैं बता रहा था, उनकी सेना में ये परिवर्तन थे, मनोबल की कमी थी, सांगठनिक एकता का अभाव था, ये यहाँ समस्या थी, उच्च और निम्न जाति थी, तो निम्न जाति के लोग उच्च जाति में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि संकट के समय क्या होता था कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति को याद करते थे, तो सीधी सी बात है कि जब अच्छे सुख के दिनों में उनको याद नहीं किया गया तो संकट के समय में वो आपका साथ क्यों देंगे। तो भेदभाव किया जाता था, बहुपत्नी विवाह किए जाते थे, तो ये सारे कारण हैं, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। आज हमने इस्लाम अरब के बारे में इतना जाना, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।